हमारा ये सरकार ने मतलब है प्रधानमंत्री आवास पास किया, उसमें हम उससे पहले मेरे मतलब मकान बहुत जर्जर अवस्था में था और पूरे गांव में मेरे सबसे दयनीय घर भी मेरा ही था। मेरा घर कच्चा था तो ऊपर से पानी गिरता था बारिश के टाइम। हमारे घर में जितने बर्तन होते हैं वो पूरे मतलब है जो आंगन में रख देते, वो जहाँ से पानी गिरता वो पानी उसी बर्तनों में गिरता। और इस सरकार ने हमारे मतलब मकान पास किया और फिर सरकार ने हमारे उसके साथ में एक शौचालय भी बनवाया। पहले तो क्या है कि मतलब राशन हमारे को मिलता ही नहीं था, तो हमारे को इतना अनुभव नहीं है कि मतलब कि वो देवे या नहीं देवे। और अब तो ऐसा सिस्टम हो गया, हम जाते हैं राशन डीलर कहता है कि आपके गेहूँ चाहे जैसे ले लो और आप तो यहाँ पे अंगूठा लगे अंगूठा लगा दो। हम जैसे अंगूठा लगाते हैं और हमारा फोन चाहे घर पर पड़ा होता है तो ऐसे मैसेज आ जाता है और वहाँ से एक चिट्ठी भी निकलती है, वो चिट्ठी भी देते हैं हमारे को। वहाँ पे सब वो उसकी क्वांटिटी कितना दिया कितना पैसा लिया वो सब मतलब पारदर्शिता हमारे को नज़र आ रही और हमारे को वो लूट मार नहीं कर रहे। उज्ज्वला योजना में तो मेरे को वो गैस मिला है तो उससे पहले तो हमारे मतलब है जब वो कंडे से और वो चूल्हे पर फूंक फूंक के चूल्हा लगाते थे तो फिर हमारे सरकार ने दे दिया तो हमारे भी आ गया गैस। और हमारे को पालनहार योजना में भी लाभ मिला। मैं पैर से विकलांग हूँ और मेरी आर्थिक स्थिति पूरे गांव से सबसे दयनीय स्थिति मेरी है। और पालनहार योजना में मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों के 1,000 रुपये उसको पढ़ाई के खर्च के मिलते हैं, छात्रवृत्ति के रूप में उसको सरकार दे रही है, सीधे बैंक अकाउंट में आ रहे हैं। मेरे को विकलांग पेंशन मिलती है और पहले भी मतलब मेरे को मिलती थी पेंशन, लेकिन मतलब जो ये जो मतलब जो पहले की जो गतिविधियाँ थी वो मेरे को समझ में मेरी समझ से बाहर है। अब तो हमारे अकाउंट में आती है पेंशन और पेंशन अकाउंट में आती है और आते ही उसमें मैसेज आ जाता है कि मतलब का आपके पेंशन है जो आ गई है। और अभी है जो इस सरकार ने 250 रुपये विकलांग के पेंशन में बढ़ोतरी कर दी। पहले 500 रुपये आती थी पेंशन, इस बार 750, मतलब 5-6 महीने हो गए 750 आ रही और हर महीने की वो एक दो मतलब तारीख को वो उसमें जमा होती है। मोदी साहब पर तो हमारा मतलब बहुत मतलब है जो ये है हमारे मन में है, उसके प्रति हमारे दिल में जगे और हम उसका मतलब रिजल्ट देंगे। हमारे लिए कुछ किया है तो हम उसको मतलब उसके प्रत्युत्तर मतलब कुछ भी देंगे। मुख्यमंत्री जी वसुंधरा राजे ने तो मेरे परिवार के लिए तो किया है, लेकिन मेरे गाँव में भी मतलब विकास की मतलब बाहर चला दी है। मेरे गांव में विकास की बाहर 60 साल में कभी नहीं आई, वो अभी मतलब है जो गांव में विकास ही विकास हो गया। और हमारे गांव वाले लोग बोल रहे हैं कि मतलब आज दिन पहले मतलब है जो कभी ऐसा विकास नहीं हुआ। और बिन मांगे मतलब बिगर मांगे मतलब किसी ने परोसा है, इस मुख्यमंत्री जी ने परोसा है कि मतलब लोगों की भावना समझ के मतलब इनको क्या तकलीफ है वो काम हमारा हुआ है। ये है पिछले 4.5 सालों में हुए काम की असली तस्वीर जो आप सबके सामने है। ऐसा काम जो पिछले 60 सालों में भी नहीं हुआ। ये है जरूरतमंदों की सरकार, किसानों की सरकार, महिलाओं की सरकार, युवाओं की सरकार, हर जाति हर मजहब की सरकार। ये है सही मायनों में आप सबकी सरकार।